तेल तो रिफिल हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ से कैसे लें, है ना। अब यहाँ से आउट भी करना है, सभी तेल भराने के लिए आता है सिलीगुड़ी। ये देखो यार, आधा घंटा लग गया यार तेल भराने के लिए, गाड़ी चेकिंग हो रहा है। चलो तो निकलते हैं, तो टाटा भूटान। यहाँ पे चेकिंग हो गया तो आगे हम बढ़ते हैं। बाय बाय, हो वेलकम टू इंडिया। काफी थक गया यार अंदर में बैठ बैठ के, आधा घंटा बाइक में ही बैठ लिया, वो भी खड़ा खड़ा। चलो इस ब्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं यार, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया आज, कमर भी दुख रहा है। जल्दी पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पे और चाय नाश्ता नाश्ता पानी सब कुछ कर लेंगे। अयो ये देखो भीड़, एक बात कहना था यार, 650 रुपये का तेल भरा है, पूरा फुल टंकी हो गया। क्यों पता है? क्योंकि मेरे पास कुछ तेल भी नहीं था और मुझे डाउट लग रहा था कि 650 रुपये का आधा टैंक भी नहीं होगा, क्योंकि जब मैं इंडिया में डालता हूँ ना तो 650 रुपये का आधा टैंक होता है यार। थोड़ा सा बचा था, 3-4 लीटर अंदर था मेरा, फिर भी 650 रुपये का होता नहीं है, क्योंकि मेरे गाड़ी पर इस टैंक पर टोटल 1700 रुपये का पेट्रोल जाता है, 1700 नहीं तो 1600 रुपये का। तो लगभग वहाँ से मेरा अभी रिजर्व होने के लिए थोड़ा सा बचा था, अभी डाला, फिर भी देखो 650 में भर गया यार। फ़ायदा यही है भूटान आने का, एक का मुझे कितना लीटर मिला पता है, 65 करके पकड़ो तो कितना लीटर मिला है मुझे, कुछ तो वैसे है। क्या बोल रहा है पता नहीं, ये तो ठीक ही है, कुछ दिखा के चला गया है, पता नहीं चला कि कहाँ कहाँ है यार। पानी मत दे इधर, अभी मैं हाँसीमाड़ा होकर नहीं जाऊँगा, अभी मैं सीधा NH 27 पकड़ूँगा, कि ये रोड में ना बहुत ज़्यादा बम्प है और मैं कमला लेकर के जा रहा हूँ, तो प्रेशर आ सकता है, ख़राब हो सकता है मेरा कमला, तो इसीलिए मैं यहाँ से पकड़ूँगा। और ये NH 317 है जो भूटान और इंडिया को कनेक्ट करता है, 27 से 317 NH 317 जो भूटान और इंडिया को कनेक्ट करता है। ये आगे तक जाएगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने के बाद में ये घूम के आना पड़ेगा। अच्छा भी लगता है ये रोड, सिर्फ खासकर भूटान के लिए बनाया गया है। पहले अंदर से आता था हसमारा होकर के रेल गेट क्रॉस करके, अभी रेल गेट का कोई फंक्शंस नहीं है, सीधा सीधा ऊपर से आप आ सकते हो। दोनों तरफ चाय का गार्डन, मज़ा आता है ये रोड। हाँ, कमर दुख रहा है यार बैठ बैठ के। वेलकम बैक टू डुअर्स ऑल ऑफ यू, एंड टू विजिट भूटान एंड डुअर्स। तो मैं अभी राइड कर रहा हूँ डुअर्स में, भूटान जयगांव रोड में मैं राइड कर रहा हूँ। अभी मैं ये रोड भी हो करके जाऊँगा NH 27, तो वहाँ से मुझे जाना है मेरे घर तक, नॉट आई होम, मेरे डेस्टिनेशन तक मुझे जाना है। तो ये रोड में जो राइड कर रहा हूँ, ये रोड होकर के भूटान जा सकते हो। देखो भूटान का कार यहाँ पर चल रहा है, भूटान का लोड़ी यहाँ पे चल रहा है, भूटान का बाइक बहुत ही कम है, रेयर। आजकल लड़का लोग भी भूटान का बाइक खरीदते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर बिजनेस पर्पज़ के लिए बाइक कार खरीदते थे, प्रेफरेंस करते थे। भूटान का लोड़ी देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये रोड होकर के वो लोग जाता है गेलेंगपो भूटान, क्योंकि अंदर से गेलेंगपो भूटान जाने का रोड नहीं है, अदरवाइज दूसरा भूटान जाने का भी रोड है। ऑल राइट, अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से बता दूँ, भूटान से थिम्पू से आप गेलेंगपो नहीं जा सकते हो, रास्ता बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा, बट बन रहा है बहुत जल्दी, जब भी बनना शुरू हो जाएगा, शुरू तो हो चुका है, बट ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट है, जैसा कि एक क्या संकोस प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, संकोस प्रोजेक्ट चल रहा है, उनकी बात में अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बात स्टार्टिंग हो चुका है, उनकी बात में एक चल रहा है गेलेंगपो में, वो प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो उनकी बात में इंडिया यहाँ से टैप होगा, जो पसाका भूटान पे है, और ये तो आपको पता ही है नॉट पसाका, जो खाली कोला भूटान पे है। और यहाँ पे चाय बगान है डुअर्स का, आपको पता ही है डुअर्स फेमस है चाय बगान और जंगल के लिए, दोनों के लिए। और माउंटेन थोड़ा बहुत है इंडिया में, नहीं ये नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत है इंडिया में, जैसे कि आप जयंती जाओगे तो वहाँ का जयंती हिल इंडिया का अंदर में आता है, बस इतना ही है, और जयगांव का हिल्स तो भूटान ही का है। चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्व है, यहाँ से ध्यान से चलना पड़ेगा। मैं पहुँच चुका हूँ दलसिंहपाड़ा, जगह यहाँ से 16 किलोमीटर, 1266 गुवाहाटी, कितना 368 किलोमीटर है यार, 338 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी।
कंजारा गोटे यहाँ से सीधा, पहले यहाँ से जाया जाता था जयगाँव, वो रोड नहीं था तब, यहाँ से घुसना पड़ता था जयगाँव वालों को, यहाँ से होकर के हाँसी मारा उनके बाद में बाईपास बहुत लंबा हो जाता था, तो अभी शॉर्टकट मार दिया जा। मैं अभी आ गया हूँ NH-27 जो गुवाहाटी कनेक्ट करता है, सिलचर तक आपको कनेक्ट कर गए, गुवाहाटी से सीधा होकर के आसाम घुसेगा, फिर शिलोंग उनके बाद में पार करके सिलचर। आओ अच्छा रोड है ना, उधर भी अच्छा है, पोर्टलैंड बना दिया है, अच्छा लगा मुझे शिलोंग जब वहाँ तक उमंग नदी तक उमियोंग लेक तक पोर्टलैंड है। यार अभी ना हेलमेट में आकर के मधुमक्खी टकरा दिया यहाँ पे, अगर विदाउट हेलमेट रहता मेरा स्किन में टकरा था तो बहुत दर्द होता है यार, अगर अब 80-90 का पिकअप में और कोई भी कुछ चीज़ टकरा रहा है, इसलिए मैं कहूँगा यार वाइजर हमेशा लगा करके रखो, सेफ्टी रहता है। अभी हम छोड़ने वाले हैं NH-317A को और हम पहुँचेंगे NH-27 पे जो गुवाहाटी कनेक्ट करता है, ये आने के लिए ये जाने के लिए। ये थोड़ा सा अच्छा माहौल है यहाँ पे, अब यहाँ से खड़ा होकर के देख सकते हैं, डुअर्स इंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे चाय बगान ना यहाँ से काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट मैं खड़ा नहीं हो रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे पीछे सामान है इसलिए। तो ये रहा गुवाहाटी वाला रोड, शायद आपको दिख रहा है यहाँ से, मुझे यहाँ कनेक्ट होना है, तो मैं यूँ ले लेता हूँ पहले, ये सीधा सिलीगुड़ी जाएगा और मुझे यूँ लेना है तो हम पहुँच जाएंगे। पहुँच ये कौन है भाई उल्टा दिशा में, कौन दे रहा है पुलिस है क्या, द लॉर्ड विल प्रोवाइड 67 भूटान ना दिस वे, उता उता उताओ यो बाटो जयगांव जानू वो बाटो यो, तो जयगांव जाएगा ये लोग, तो मैं बोला कि यहाँ से जाओ तो हम सीधा चलते हैं। ये जो NH-27 है ये धूपगुड़ी से सिंगल लेन मतलब एक ही लेन वहीं पे आता है जाता है, तो ये लेकर के अलीपुर द्वार आपको क्रॉस करना पड़ेगा, लगभग अलीपुर द्वार क्रॉस करके और 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा तभी आपको वहाँ से फोर लेन मिलता है, और वो फोर लेन आपको आसाम गुवाहाटी या फिर आप धुबरी तक जा सकते हो, धुबरी सॉरी नहीं सिलचर तक आप जा सकते हो, फोर लेन आपको पूरा मिल जाएगा, बट आसाम में थोड़ा गुवाहाटी जब क्रॉस करोगे तब सिंगल लेन मिलता है थोड़ा दूर के लिए, और उनके बाद में और फिर से फोर लेन आपका चालू हो जाता है। ये रोड पे ना हर स्टेट का गाड़ी चलते हुए आपको मिल जाएगा, इंटरनेशनल का भी कभी नेपाल का भी आता है बट नेपाल का बहुत ही कम है, बट हर स्टेट का लोड़ी यहाँ पे चलता है, बस यहाँ पे चलता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए एक ही रोड है, इसलिए ना अलग अलग है। ये देखो NL AS ये तो नॉर्थ ईस्ट का है, RJ राजस्थान पंजाब कर्नाटक तमिलनाडु हर स्टेट का यहाँ पे चलता है, HP हिमाचल प्रदेश, बड़ा मस्त का लगता है ये रोड, अपना सा लगता है क्या, इस सालों से देखे है ना यहाँ पर चलाते आए हैं, बट रात में भयंकर हो जाता है यार ये रोड, यहाँ पे फ्रंट जोन है लेफ्ट क्रॉसिंग जोन या फिर जंगल से यहाँ पे लेफ्ट आ जाता है आगे, खासकर बोक्सा डुअर्स फॉरेस्ट में दिन में भी हमला हो जाता है वहाँ तो। कल एक लड़का अलीपुर द्वार से आ रहा था, मेरा ही दोस्त है, दो था वो लोग, लगभग चेकपोस्ट पार होकर के नीमती चेकपोस्ट पार होकर के, तो अभी क्या किया एक हाथी का बच्चा रास्ता क्रॉसिंग कर रहा था, तो वो लोग भी वहाँ पे आ गया, तो आते समय उन लोग को आमना सामना हो गया, तो वो लोग बाइक घुमाते बहुत, उन लोग को बाइक गिर गया और वो हाथी उन लोग को दौड़ाने लगा, किक भी किया था, अच्छा हुआ कि हेलमेट में थोड़ा सा टच हुआ नहीं तो सिर को लगता तो पता नहीं क्या हो जाता, और उससे पहले वो दौड़ा चुका है 2-3 लोगों को, इसलिए ये रोड में बहुत ही ध्यान से राइड करना जब तक अलीपुर द्वार का बॉक्सर हुआ टाइगर रिजर्व क्रॉस जब तक ना करे तब तक। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है ये रोड पे इस एरिया पे, चलो इनको मैं क्रॉसिंग कर लेता हूँ, डर लग जाता है यार सिंगल रोड पे क्रॉसिंग करने के लिए, वो चलो हो गया क्रॉसिंग। चलिए यार बहुत कुछ बता दिया, इस ब्लॉग को भी यहीं पे कहते हैं टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन, मिलते हैं दूसरा ब्लॉग में क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन पहुंच चुका है, होप आप लोग को ये ब्लॉग भी पसंद आया, तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो, हमेशा करते रहो, मैं भी खुश हो जाऊंगा, आप लोग को भी मैं अच्छा अच्छा वीडियो देते रहूँगा, सो सी यू अगेन दोस्तों, टाटा बाय बाय।